अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट हो गए, बेहतरीन हो गए, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी माय फर्स्ट विजिट इन न्यू दिल्ली, व्हाट इंडियन थिंक अबाउट पाकिस्तान। सना अमजद की वीडियो, और अभी देखते हैं वीडियो में क्या है और इंडियन क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। बिल्कुल, और बाकी जो है बातें बाद में करेंगे। मेरा नाम है राणा मंदल, मेरे साथ हैं मलिक सिंह के पास। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, मोस्टली आपने रिएक्शन वीडियोस में देखा होगा, मैं लोगों से सवाल करती हूं, पाकिस्तानियों से सवाल करती हूं कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। आज हमारे साथ कुछ इंडियंस मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। एक हमारे साथ निशान मौजूद है जिनका ताल्लुक इंडिया से है लेकिन ये हिंदू कम्युनिटी से है। दूसरा हमारे साथ है मोहम्मद आशिक जो है तो इंडिया से लेकिन इनका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है। तो दो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि ये पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। और इंडिया, अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को जो है वो किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्ते विशान, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप कैसे? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे चैनल के लिए और इस प्रोग्राम के लिए। मैंने सोचा कि बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों से रिएक्शन हो गए हैं, अब क्यों नहीं इंडियन से बात की जाए। अच्छा विश्वास, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? देखिए, जब मैं पाकिस्तान का नाम सुनता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये याद आता है कि 1947 से वो पहले वो इंडिया का ही हिस्सा था, तो मुझे तो यही समझ में आता है कि वहां पे भी इंडियन ही कल्चर है, वहां पे कोई पाकिस्तानी कल्चर नहीं है, और एक सी ही जुबान है, और खाने पीने का टेस्ट और बाकी सब चीजें भी हमारी ही जैसी हैं। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि सब कुछ एक ही है, बस एक बीच में बॉर्डर डाल दिया गया है। और ये भी मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि जो अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो अभी पाकिस्तान की बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, उसके रिगार्डिंग पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो उसकी वजह से एक बहुत दुख भी होता है कि हमारा ही हिस्सा, हमारी ही जुबान, हमारा ही कल्चर, और आज ऐसे हालात हो गए हैं कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से पाकिस्तान में। इस चीज का एक बड़ा दुख भी होता है। नहीं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। हमने देखा है कि हमारी शादी ब्याह पर, मुख्तलिफ त्योहारों पर हम इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हैं। इवन कि मुझे अच्छी तरह याद है कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मेरी फैमिली ने मेरी गोद भराई की रस्म की थी, जो कि एक इंडियन कल्चर है, एक इंडियन त्योहार है। हमारे साथ इंडिया से मोहम्मद आशिक भी मौजूद है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कैसा लग रहा है हिंदुस्तान में रहते हुए, एक मुसलमान होकर हिंदुस्तान में कैसी जिंदगी गुजर रही है, और वहां रहते हुए जब आप पाकिस्तान के इन मुसलमानों का ये हाल अहवाल देख रहे हैं कि वो आटे के लिए मर रहे हैं, मुश्किलात से भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, तो किस तरह के ख्याल, किस तरह के जज्बात होते हैं उस वक्त आपके? देखिए, इंडिया में जहां तक मुसलमानों के हालात हैं बहुत अच्छे हैं। हालात मतलब चुटपुट थोड़ी मोटी मसले तो हर जगह होते हैं, उन मसलों को बालातर रख दें तो इंडिया में मुसलमानों का हालात बहुत बेहतर। और कभी भी मतलब यहाँ पे मुस्लिम्स गैर मुस्लिम भेदभाव होता नहीं है। बहुत छोटी छोटी घटनाएं कहीं कहीं हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल देखिए तो वी आर गुड। प्रोस्पर करने का पूरा पूरा मौका मिलता है, जो जितना मेहनत करेगा, जो रेस में जितना आगे जाएगा उसको उतनी मिलेगा। मतलब ये है, यहाँ पे फेयर, फ्री एंड फेयर हालात हैं। जहां तक मैं देखता हूँ पाकिस्तान के हालात, वहां सुन के तो दुख होता है, लेकिन सारे मसाइल, सारी चीजें अल्लाह की तरफ से आती हैं, और ज्यादातर आवाम से ज्यादा वहां के पॉलिटिकल जो अप्रोच है, उस अप्रोच की वजह से शायद वहां के लोगों को ज्यादा तकलीफ है। थोड़ा सा नरम और लचर रवैया होना चाहिए, जिस चीज को, जैसे कश्मीर का मुद्दा है, ये है, जिस चीज को मतलब अभी उठाने से या उसको उसको प्रॉपर फ्रंट पर रखने से किसी को फायदा होने वाला है? कोई नहीं कुछ फायदा पा सकता। ये ऐसा मसला है
कि दो 20-30-50 सालों में भी हल नहीं हो सकता, इसलिए अभी सालों से तो हुआ नहीं है। जो मतलब प्रेजेंट सिनारियो है उसमें मेरा जहां तक ये है कि आवाम तो बेचारी चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो हमेशा दबी हुई रहती है, या वहां के लीडर्स को जहां तक मुझे मेरा जहां तक ये है कि वहां के लीडर्स को और प्रोएक्टिव होकर के चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। और देखिए इंडिया को जरूरत अभी नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया को अभी जरूरत नहीं है, जरूरत अभी पाकिस्तान को। तो इस इन हालात में मुझे जहां तक लगता है, जहां मेरी सोच है कि थोड़ा सा अप्रोच करके दोनों कंट्री के सफारतखाने के थ्रू बात करके इसको नॉर्मलाइज करके अगर ट्रेड वगैरह चालू हो जाए तो हो सकता है कि थोड़े हालात और बेहतर हो जाए। बिल्कुल, जहां तक मुझे उम्मीद है। अच्छा विशाल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एज अ इंडियन, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान आज से 75 साल पहले एक ही थे, तो कभी आपका दिल नहीं किया कि आप पाकिस्तान फिरने के लिए आए, घूमने के लिए आए, बॉर्डर से इस पार आके भी देखें कि बटा हुआ हिंदुस्तान कैसा है, यहाँ पे बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर हैं, बहुत सारी हिंदू फैमिलीज भी रहती हैं। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में अक्सर मैं उनके त्योहारों में जाती हूँ, उनके साथ सेलिब्रेट भी करती हूँ, तो कभी आपका मन नहीं किया कि आप हिंदुस्तान विजिट करने आए, बॉर्डर के इस पार आए? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती हैं तब तक मन को थोड़ा मारना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आप भी ये देखिए कि जो इंडिया ने कई बार कोशिश की है दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, जैसे आपको पता ही होगा कि वाजपेयी साहब ने बहुत बहुत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि हो जाए सब कुछ नॉर्मलाइज हो, बट उसके तुरंत बाद कारगिल हो जाता है। और ऐसे ही अभी हम अगर हम लोग 2015 की बात कर लें तो हमारे जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए थे बाकायदा पाकिस्तान, और उसके बाद उरी पुलवामा बहुत सारी चीजें हुई। तो मुझे लग रहा है कि पहले जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती हैं तब तक कुछ भी ऐसा हम ख्वाब में सोच सकते हैं, क्योंकि पहले चीजें बेहतर होना बहुत जरूरी है। और ये जैसा कि अभी मोहम्मद भाई ने बोला कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें बेहतर हो, अभी इंडिया की तो इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, वी आर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ, एंड जिस रफ्तार से हम लोग ग्रो कर रहे हैं आने वाले 5-6 सालों में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे, एंड आईटी पे भी इंडिया ने बहुत काम किया है, एजुकेशन पे भी किया है, एंड इट्स लाइक पूरे 20 साल का हार्डवर्क है इंडियंस का जो आज इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं, और धीरे धीरे और ग्रोथ करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हमारे अंदर एक स्पिरिट है, और हर एक भारतीय में एक स्पिरिट है कि हम लोग को मतलब ऐसा रहता है, आपने देखा भी होगा कि बाहर जितनी भी कंट्रीज में आप देखोगे तो इंडियंस जो है एक बड़ी पोजीशन पर है, टेक कंपनीज में अगर आप देख लें तो सीईओज को देख लें तो सब बड़ी पोजीशन पे, ये जो उसकी रूट कॉज है वो है एजुकेशन, तो शुरुआत से ही जो इंडिया में लोगों को तालीम मिली उससे आज ये मुकाम हासिल हो पाया है। और वही मैं पाकिस्तान के बारे में बोलूंगा तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस का, पाकिस्तान आज भी अपनी आइडेंटिटी अरब मंगोल तुर्क में ढूंढ रहा है, जबकि पाकिस्तान की आइडेंटिटी एक्चुअल आइडेंटिटी ये है कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी ही हिंदुस्तानी आइडेंटिटी है। हमारी हिस्ट्री बुक्स में जो पहला चैप्टर होता है वो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जबकि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लेकिन पाकिस्तान में उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं दिया जाता, पाकिस्तान में अरब और तुर्क के बारे में ज्ञान दिया जाता है, जबकि एक्चुअल पाकिस्तान की आइडेंटिटी यहां से है। तो जब रूट कॉज से मसला ठीक होगा, लोगों को उनकी आइडेंटिटी पता चलेगी, धीरे धीरे एजुकेशन आएगी, यूनिवर्सिटीज डेवलप की जाएंगी, पॉलिटिकल जो निजाम है वो ठीक होगा, तब धीरे धीरे लोगों के बीच में ये हो जाएगा कि भाई अब दोस्ती पॉसिबल है। क्योंकि जब भी आप ये देखिए, जब भी इंडिया अपनी तरफ से हाथ बढ़ाता है, बहुत बार बढ़ा चुका है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, क्योंकि जैसा कि आपके ही प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने बोला है कि आर्मी सब कुछ कंट्रोल करती है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपके मान लीजिए कल को कोई और प्रधानमंत्री आ भी जाते हैं जो कि अच्छा अच्छा सोचते हैं, बट वहां पे पीछे रूल करने वाले तो नहीं है, आर्मी सब कंट्रोल करेगी, अगर आपके प्रधानमंत्री मान लीजिए आज की डेट पे सोचते हैं कि इंडिया के साथ हम ट्रेड करते हैं, जैसा कि अभी आपके करंट प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम अपना सबक सीख चुके हैं, अब हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे क्यों रिएक्शन नहीं दिया? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि अगर आप हाथ बढ़ा भी देंगे आज की डेट पे तो आर्मी कुछ कर देगी, कुछ ना कुछ पंगे आ ही जाएंगे, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती जब तक वहां के लोग एक तरह से सड़कों पे नहीं उतरते हैं, और सड़कों पे उतर के ये नहीं बोलते कि अब हमें इंडिया के साथ पूरी तरह से खोल दो, पूरी तरह से मतलब ट्रेड चालू करो, सब कुछ करो, और
कंट्रोल जो है उसको ठीक करें, एक प्रॉपर डेमोक्रेसी डेवलप करें। विशाल आपने बहुत अच्छी बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है, और आने वाले वक्त में जो है इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के साथ जो है वो सुपर पावर भी बनने जा रहा है। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड बंद होने की वजह से मैं फील्ड में काम करती हूँ तो मुझे अंदाजा है कि लोगों को किस तरह के मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम जब देखते हैं कि यहाँ पे जो प्याज हम डॉलर के रेट पर 280 रुपए किलो खा रहे हैं, वहां पर जब 20 रुपए किलो प्याज बिकता हुआ देखते हैं तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माहे रमजान का महीना चल रहा है, आप यकीन करें यहाँ पे 400 रुपए किलो दर्जन मिल रहे केले। यू कैन इमेजिन कि आपको केला जो फ्रूट चार्ट में डलता है, जो एक नॉर्मल सी चीज है, वो 400 रुपए दर्जन आपको दिए जा रहे हैं। तो हैरत की बात है कि 40 से 50 रुपए की जो चीजें हम इंडिया की इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं मंगवा रहे, लेकिन हम दुबई के रास्ते से वही सामान डबल टैक्स देकर मंगवा रहे हैं लेकिन बॉर्डर नहीं खोल रहे। मोहम्मद आशिक सब मुझे भी पसंद नहीं आई कि आप इतने सालों से हिंदुस्तान रह रहे हैं तो क्या आपका कभी दिल नहीं किया कि आप अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं? क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो पाकिस्तानी है, जो मुसलमान है, वो आप लोगों के लिए काफी फिक्रमंद रहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को जो है वो राइट्स नहीं दिए जाते, उन पे बड़ा जुल्म और सितम किया जाता है, और वो वहां पर जेल की जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, ना उन्हें इबादत करने की आजादी है, ना उन्हें अच्छी जॉब दी जाती है, ना अच्छी एजुकेशन दी जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ जाना चाहिए? नहीं, ये तो भ्रमित करने वाली बातें हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, और जहाँ तक रहने की बात है पाकिस्तान में, वो भी हमारा हिस्सा था, हमारा ही हिस्सा था। अब लेकिन लकीरें इतनी सख्त खींच गई हैं कि कांटे से भी खतरनाक हो गई हैं, और आने का दिल, यहाँ रहें तो भी हमको पाकिस्तान दिखता है, वहां रहें पाकिस्तान में रहें तब भी हिंदुस्तान दिखता है, क्योंकि जगह एक ही है, सिर्फ एक लाइन बांध दिया गया है। बस मुझे एक और जो इम्पोर्टेंट मसला उठाना है वो ये कि पाकिस्तान को जो है माइक्रो लेवल पे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। उनको चाहे इंडिया से हेल्प लेनी पड़े या बाहर के जिन कंट्री को वो बेहतर समझते हैं वहां से हेल्प लेनी पड़े, पैसे जेवर जेवरा सब बेच देनी पड़े बेचें, लेकिन एजुकेशन को इतना स्ट्रांग करें। जब आप तालीम को स्ट्रांग करेंगे ना, फिर पूरी दुनिया आपको, जैसे हिंदुस्तान को आज पूछ रही है पूरी दुनिया, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बेस पर। नो डाउट, ज्यादातर फोकस हम लोगों ने एजुकेशन पे किया है। बिल्कुल, एजुकेशन के बेस पर लोग आज यहाँ बेकार भी अगर हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, वो कुछ ना कुछ अपना सोचते हैं, कर लेते हैं, और जो काबिल है उन्हें तो मौका मिलता ही है। अभी मैं ही जैसे 2000 में इंजीनियरिंग पास किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैं 1.5 साल इंडिया में काम करने के बाद गल्फ चला गया। गल्फ में 17-18 साल लगभग मैंने नौकरी करी, तो 9 साल दुबई में किया, 9 साल सऊदी में किया, फिर आके यहाँ पे 4 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूँ, माइक्रोफिलामेंट प्लास्टिक थ्रेड की बिजनेस है, मैं ठीक ठाक कर ले रहा हूँ, मतलब बहुत कहें तो एकदम कुशादा नहीं है, लेकिन कर रहा हूँ, और मुझे जहाँ तक मैं होपफुल हूँ कि मैं और अच्छा कर पाऊंगा आगे। और एजुकेशन पर ज्यादा फोकस होनी चाहिए एजुकेशन में, और इसकी माइक्रो प्लानिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसे ही जो है यानी सिर्फ सब्जेक्ट्स डाल दिए और फिर उस पर जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे तो नहीं होगा। कैसे, क्या क्या डिमांड है अगले 10 साल का, क्या माइक्रो प्लानिंग है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप उन सब्जेक्ट्स को स्कूलों में लाएंगे 10-15 साल में, फिर आपको जो नीचे के ब्रेन रॉटन हो गए हैं उनको आहिस्ता फ्रेश करके नए प्रोडक्ट्स जब आएंगे, हो सकता है अगले 10-15 साल में पाकिस्तान की किस्मत भी बदल सकती है। जी आपने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त पाकिस्तान का एजुकेशन निजाम बेहतर करने की हमें बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना तो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ना ही अच्छे स्कूल्स हैं, इवन के जो सरकारी स्कूल हैं उनका हालात कुछ इस तरह से है कि वहां मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में जाकर पढ़े। अगर हम इंडिया के एजुकेशन निजाम की बात करें तो उनके सरकारी लेवल पर भी जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बनाई गई उनका तालीमी निजाम जो है वो बहुत बेहतर है। अच्छा तबिशान, आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला क्या है, जो हल हो जाए तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो दूरियां खत्म हो सकती हैं? नो डाउट आपने पहले ये कहा कि इंडिया ने कई बार पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की है,
लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी भी रिसेंटली आरएसएस की जमात के लीडर की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान के मुश्किल हालात में हम पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर ताकि कम से कम लोगों को खाने के लिए आटा तो मिले, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। तो आप बताएं आपको क्या लगता है कि बेसिक मसला क्या है, असल फसाद की जड़ क्या है जो दोनों मुल्कों को करीब आने नहीं दे रही। मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपके यहाँ जो बेसिक जो मुझे मसला समझ में आ रहा है वो आर्मी का ही समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर एक बार को कोई प्रधानमंत्री आपके यहाँ कुछ अच्छा करने का भी सोचता है तो कहीं ना कहीं आर्मी उसको नहीं अच्छा करना चाहती है, क्योंकि क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान आज से 20 साल पहले 40 साल पहले भी एड पे चलता आया है सब कुछ, उनकी जो इकोनॉमी थी एड पे चलती आई है, पहले यूएस से पाकिस्तान को एड आती रही है अफगानिस्तान के नाम पे, तो आर्मी फलती फूलती रही और आर्मी को एक पावर महसूस होने लगी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की आर्मी ये कभी नहीं चाहती है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वहां पे एक एलाइट क्लास बन चुकी है, जैसे आपके यहाँ पे कुछ एक अच्छे एरिया है वहां पे पाकिस्तान की आर्मी के जो घर है तो वो एक आपको यहाँ पे जो मतलब एक बिजनेसमैन के घर होते हैं उस तरह के घर, पाकिस्तान की आर्मी की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गई है वो इंडिया के नाम पे जो पैसे आते हैं वो बन चुकी है, तो क्यों चाहेगी आर्मी की इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। सवाल करना चाहूंगी, आपने बात की कि अफगानिस्तान के नाम पर एड खा रहा है पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान भी बहुत सारी सॉरी अफगानिस्तान को तो इंडिया भी है जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने हर लिहाज से अफगानिस्तान की मदद की, अफगानिस्तान को फंड्स भी दिए, वहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया, दोबारा से इंडिया की एम्बेसी जो है वो काबुल में रीओपन हो गई। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान तो इंडिया के इशारों पर चल रहा है, हजारों की तादाद में अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है इंडिया की जानिब से कि आप इंडिया आए और आकर पढ़े, और अफगानिस्तान का भी रुझान पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया की तरफ है। एक्चुअली अफगानिस्तान इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, रीजन बीइंग क्योंकि उसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और हर देश चाहता है कि वो अपने आप को मतलब अपनी जो बॉर्डर्स हैं वहां पे अपने आप को मजबूत रखे। जैसे पाकिस्तान जो है वो चाइना के काफी करीब है क्योंकि चाइना का जो बॉर्डर है और जो चाइना है उसकी जो दुश्मनी है वो हिंदुस्तान के साथ हमेशा से है ना, कई सारे मसलों पे अगर आप देखें कि ऊपर जो कश्मीर का भी एक पार्ट है स्काई चीन और अरुणाचल प्रदेश और काफी जगह पे चाइना के साथ इंडिया के डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो पाकिस्तान चाइना के इसलिए करीब है क्योंकि वो इंडिया से उसके पंगे चल रहे हैं, ठीक है। और हर देश चाहता है कि अगर उसकी कहीं से भी दुश्मनी चल रही है, क्योंकि हम ये तो कह ही सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की एक तरह से दुश्मनी ही चल रही है, इट्स बीन लाइक 10 years 20 years हम यही सुनते आ रहे हैं, तो अफगानिस्तान की जो लैंड है जो जगह है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को कुछ हो जाता है तो इंडिया कहाँ से पाकिस्तान को घेरेगा, तो कुछ तो जगह चाहिए। और पाकिस्तान की एक और बड़ी बात बताता हूँ, अफगानिस्तान इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल मैं तो बोलूंगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान वहां पे पाकिस्तान के लोग आर्मी को सही नहीं करते हैं, वहां के लोगों को सही नहीं करते हैं जो करते हैं, यह कहते हैं अभी आप देखिए एशिया का पौने जा रहा है, इंडिया ने साफ मना कर दिया, क्यों जाएगा इंडिया, क्योंकि आपके वहां पे जो हेड्स बैठे हुए हैं वही चीजें ठीक नहीं करना चाह रहे इंडिया के लिए, तो वो जगह हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जब तक वहां पे जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं वही चीजें ठीक नहीं करेंगे तो कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती करने के लिए ही सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हो, चीजें रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ लॉ है नहीं पाकिस्तान में, सब कुछ आर्मी कंट्रोल कर रही है, तो इसलिए वो जगह भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, और सबसे सो गाइस आप लोगों ने देखा और हमने भी ये वीडियो देखी और इंडिया के जो जितने भी ये बातचीत है वो इन्होंने दिखाई है, लेकिन हम जो है ना वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉमेंट्स भी आते हैं लोगों के, और चले हम इतनी ज़्यादा बात तो नहीं करते लोगों से लेकिन कभी कभार हो जाती है किसी के साथ वो कोई थोड़ी सी बहुत कार पे और या फिर वैसे हो जाए तो इंडियन किसी के साथ वो बताता रहता है इंडिया के मतलब ये हालात है, मुस्लिम से भी होती है ये, तो कमेंट्स भी आते हैं तो उससे भी हमें पता चलता रहता है, लेकिन ये जो लोग जिनको पता ही नहीं है कि इंडिया का वो जो सिर्फ न्यूज़ देखते हैं तो वो उनके दिमाग में अभी तक वही सारा कुछ बैठा हुआ है और वहाँ में एक नफरत फैली हुई है दिमाग में वो, लेकिन ये है कि अभी जो अभी हालात चल रहे हैं ना, मैं कहता हूँ तकरीबन 60-70% लोगों के दिमाग से ये बात निकल चुकी है कि असल दुश्मन हमारा इंडिया है, असल दुश्मन हमारा कोई और ही है, हमारा अपना ही है,
ठीक है कोई घर का बेती लंगट है। हाँ बिल्कुल, और ये अभी जाके ना वो सारी लोगों को समझ आ चुकी है, और हमारा खुद का कुछ जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं हमारे। और बाकी ये इनकी बातें की हैं, एक मुस्लिम भाई हैं और एक हिंदू भाई हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी राय बताई, और मुस्लिम भाई ने भी कहा कि हम यहीं पे खुश हैं लेकिन अगर उधर भी जाएंगे तो उधर भी वही हमारा वही है। जाहिर है एक पार्टी था पहले, और उसके बाद जो है वो पार्टीशन हुई, अपने सिर्फ एक से नहीं बॉर्डर ही बिल्कुल। है, बाकी वहाँ का यहाँ का कल्चर भी सेम ही है और जुबान भी सेम ही है तकरीबन। और जाहिर है अभी पंजाब से हम, तो पंजाब वहाँ के और यहाँ के भी सेम ही जुबान एक है, ही है और अगर उर्दू या हिंदी की बात करें तो वो भी बोलने में सेम ही है, तो एक जैसी शक्लें हैं सबकी, हर चीज मिलती और जुलती है भाई, ये है ना कि कल्चर भी सारे सेम एक हैं। जिस्म के दो हिस्से। तो उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे भी यहाँ पे भी सारे ठीक हैं, खुश हैं, और इंडिया में भी खुश हैं, और इंडिया में भी हमें काम मिलता है, और वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल किया हुआ है, तो वो ज़ाहिर है बिजनेस ऐसा ऐसा ऊपर जाता है, कभी कभार जो है वो डाउन भी हो जाता है, अब भी हो जाता है, तो लेकिन वो कर रहे हैं फिर भी और वहाँ पर खुश भी हैं। और हिंदू भाई ने भी ये बात कही कि पाकिस्तान में भी आने का दिल तो करता है लेकिन दिल मारना पड़ता है जब तक हालात ठीक ना हो, तो यही बात हम करते हैं कि इंडिया में हमारा बहुत दिल करता है आने जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे आना मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक तो वो जितने भी आते हैं वो ज़्यादातर बाहर से आते हैं, जैसे वो बिरार भाई हैं जो फॉरनर आजकल वहाँ हो पे गए हैं, वो जर्मनी से आए हैं लेकिन और वो नेशनैलिटी टूरिस्ट हैं, बिल्कुल और उनका कोई थोड़ा सा बहुत रिकॉर्ड है, लेकिन हमारा कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है ना, हम बिजनेसमैन हैं कोई, जो हम बिजनेस शो करें या कुछ ऐसा वैसा शो करें तो हम इंडिया हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन ये अगर हम दोनों में अगर दोस्ती होगी मुल्कों में, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, और हम भी आसानी से जा सकेंगे, इंडियन भी आसानी से इधर आ सकेंगे, और आपस में ट्रेड करेंगे, ट्रेड करने से दोनों के हालात मतलब बेहतर इंडिया हो। के तो बेहतर हैं, पाकिस्तान के भी बेहतर हो जाएंगे साथ। और इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के तो पहले से बेहतर हैं, क्योंकि इंडिया तो एक पूरी मार्केट है, बड़ी मार्केट है, तो बिल्कुल उसको तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन तो पाकिस्तान को नहीं चाहिए, और बाकी जो रूल कर रहा है पाकिस्तान पे वो तो आप लोगों को पता है, और इन्होंने बता दिया है बिल्कुल मैचेस और करती हमें भी है पता है, और आप कहेंगे डरते हैं, आप डरना पड़ता है, भाई, क्या करें डरे पाकिस्तान है, आजादी नहीं है यहाँ पे और बोलने की, बोलने की आज़ादी नहीं है, क्या कहते फ्रीडम हैं फ्रीडम, कौन ऑफ सी टॉक, नहीं कुछ और भी कहते हैं ना इसको, फ्रीडम ऑफ टॉक ही है कि बोलने की बड़ा आजादी नहीं खैर, आपको। और वो हमें नहीं है यहाँ पे, और बाकी पता हमें भी है कि कौन है हमारा असल दुश्मन और कौन नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो पूरा इदारा गलत नहीं होता, लेकिन इदारे में चंद लोगों की वजह से पूरा इदारा बदनाम हो जाता है, और काफ़ी खिदमत भी कर रहे हैं मुल्क की कुछ लोग, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ अय्याशी के लिए इस इदारे में आते हैं और अय्याशी कर रहे हैं, ये भी बात उन्होंने ठीक कही है कि लाइट क्लास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ऊपर दर्जे के जो हैं, जो नीचे बिल्कुल दर्जे के हैं वो तो हमारे से तरह ही हैं, हमारे ही अपने बहन भाई यहाँ पे आगे पीछे ही रहते हैं, सारे इकट्ठे ही रहते हैं, जो मतलब फौज की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल जो छोटे सिपाही हैं या कुछ छोटे मोटे अहदे पे हैं वो तो इधर ही हमारे साथ अक्सर, हमारे गाँव के कितने हैं बिल्कुल, गांव वो के इधर ही हैं रहते काफी हैं, लोग वो हैं। मतलब कोई नहीं अमीर शीर ना, उन उनको कोई प्लाट मिले, लेकिन ये प्लाट वगैरह या कोई घर वगैरह या ये जो पैसा है ये बड़े लेवल के हैं उनको होते हैं, उनकी डायरेक्टली वजह से ही पूरा इदारा बदनाम हो चुका है, और पूरा इदारा गलत नहीं होता। और बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मुझे तो पसंद आई, और इनकी गुफ्तगू सुनी आप लोगों ने बिल्कुल सुनी, और बातें बिल्कुल ठीक कही हैं इन्होंने। वाकई जी, वीडियो जबरदस्त ही नो डाउट, और एक अच्छा तरीका है कि लोगों से इंटरेक्ट करना, क्योंकि आप वहां पे और जा नहीं वैसे सकते। मुझे एक बात ही समझ नहीं आ रही, सॉरी, कि ये वैसे करते कैसे हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू है, और बाकी है कि आप इंस्टा पे या कहीं पे हमें सोशल मीडिया पे आपने रब्ता नहीं, किया, नहीं नहीं रब्ता वो करने के डिटेल नहीं बाद है, अगर डिटेल मिल जाती तो हमें भी पता चल जाता, अगर कोई इंडियन के हम भी बात करते डायरेक्ट वो और ज़्यादा मज़ा आना था, हम किसी और से बात करें ऐसे डायरेक्ट डायरेक्टली डायरेक्टली मज़ा बात आता है, ज़ाहिर है डिबेट करने में। बहरहाल ये है कि लोगों को मौका मिल रहा है और लोग अभी खुल के बात कर रहे हैं। पहले लोग शाय फील करते थे बहुत सारी चीज़ों में कि बिल्कुल, यार किस चीज़ पे बात करेंगे, क्या करेंगे, असल में और पहले ये है ना कि पहले हमें पता खुद को भी नहीं था, हाँ रियलिटी का पता नहीं था रियलिटी का क्यों, पता नहीं था, तो अभी हमें रियलिटी का पता चल चुका हमने है। गुस्से में आके और एग्रेशन में आके और हुब्बुल वतनी में ये आके और हाँ हमने गुस्सा करना था और गाली गलौज होनी थी, और आप लोगों ने सच बोलना था और हम लोगों ने कहना था नहीं यार ये नहीं हो सकता, जैसे हमें मीडिया पे दिखाया गया है जो रो हमें वही पता था, और तस्वीर का दूसरा पहलू हमें दिखाया नहीं गया, तो जो हमें अब और पता चल चुका है। लेकिन एक और बात भी मेंशन करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान के कुछ लोगों का दिमाग फिरा हुआ है ना, तो इंडिया के भी कुछ लोगों का दिमाग फिरा हुआ है, वो भी बात को समझते नहीं है कि अवाम कोई इंडिया के खिलाफ नहीं, जैसे हम हैं, हम रिएक्शन दे रहे हैं अभी,
तो इधर हमारे भी कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं ना, तो दिल मतलब दुखता है। लेकिन ये है कि वो तो चवल पुनैया ही जाहिर है, वो लोग कुछ लोगों की वजह से, आप पूरे हम लोगों को तो नहीं कह सकते, नहीं बुरा तकरीबन नहीं कह 70-80% सकते, लोग हमारे साथ अच्छे जुड़े हुए हैं, माशाल्लाह। तो कुछ 10-20% हैं जो ऐसे हैं जो दिमाग से पैदल हैं और गालियां ज्यादा देना शुरू कर देते हैं, मजहब बिल्कुल पे गालियां देना शुरू कर देते हैं और हमें गालियां देना शुरू कर देते हैं, या हमने कुछ ऐसा बोला भी नहीं होता लेकिन फिर भी गालियां देते हैं। लेकिन उनके दिमाग भी ऐसे ही हैं जैसे यहाँ के पाकिस्तानी के दिमाग हैं, जो भरे पड़े हैं नेगेटिव चीजों से, ब्रेन वॉश टाइप, बिल्कुल करेक्ट। और सीधी सी बात है, और हम हमें अगर थोड़ी बहुत अकल आ गई तो उनको भी आ जाएगी। हाँ और यही बात है, जैसे बिल्कुल हमने व्लॉग की वीडियो अपलोड की तो उसमें किसी ने चवल मारने शुरू कर दिया, आटा लेने जा रहे हो, और किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया, किसी ने गालियां भी देना शुरू कर दी, वो मैंने वो कर दिए चले, कमेंट। वो जुगत करते हैं, जो जुगत की तो बात एक करते हैं अलग वो चीज उसका है, कोई मसला नहीं है, वो एंजॉय करते हैं इस चीज को। बिल्कुल लेकिन डायरेक्टली आप किसी को भी आप अपने ऊपर ले लें, आप गाली कोई आपको निकालता है डायरेक्टली, तो वो आपको जरूर बुरा लगेगा, क्योंकि आपके मजहब के ऊपर, आपकी नस्लियत के ऊपर और आपका नाम लेके बकायदा वो गाली निकाल रहा है, तो फिर वो आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। फिर आपके अंदर जो जज्बात और एहसास होते हैं उस मुल्क के लिए, उन लोगों के लिए, वो भी फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम अभी अपना कहें, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी वो समझदारी वाली बात आ चुकी है, हम इग्नोर कर देते हैं, लीव कर हाँ देते इग्नोर करता हैं। है। लेकिन मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि दोनों मुल्कों में ही ये ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल हर जगह जो पे गालियां देते हैं, जो अच्छे गाली बुरे देना लोग शुरू हर कर जगह देते पे हैं, मौजूद है, नो तो वो डाउट, सिर्फ इसलिए मैंने ये जिक्र किया, वरना बिल्कुल मैंने नहीं था करना। पॉजिटिविटी जो है वही कैच करते हैं, और नेगेटिविटी को लीव ही करना चाहिए, और जितना लीव करेंगे, वो कहते हैं ना कोई आपको बुरा भला कहता है ना, तो उसका सबसे बेहतरीन जवाब जो अगले बंदे की नसें तक हिला के रख देगा, खामोशी, और वो खामोशी है, वो सिंपल, आप चुप कर जाएं, और यही सबसे बड़ा जवाब है। और बाकी यह कि वीडियो उन्होंने अच्छी क्रिएट की है और अच्छे सवाल जवाब किए हैं, और ये चीज़ जो है ये इंटरेस्टिंग है एक तरह से, लोगों से इंटरेक्ट होना और उनके हालात जो है जानना। ये लोकल्स हैं, अब मीन्स के कोई बड़े ओहदे पे नहीं बैठे हुए, कोई बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने नॉर्मल वे में लाइफ गुजार रहे हैं, और एक नॉर्मल बंदे से जब आप एक कॉमन मैन से बात करते हैं, तो फिर आपको असलियत पता चलती है कि वहाँ पे चल क्या रहा है और उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचती हैं आपके मजहब के बारे में, आपके मुल्क के बारे में, और आपके मुल्क के हालात जो चल रहे हैं उनके बारे में। तो आई थिंक ये छोटा सा एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर लें लोगों की, जिसपे हालात हाजरा पे नजर डाली जा सके और आम आवाम तक, आम आवाम की सोच पहुंच सके। तो वीडियो ज़बरदस्त थी और इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, और अच्छी डिबेट की और अच्छे सवाल जवाब हुए, और आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलें, ठोक दें, लाइक ठोकें, और इनके चैनल के लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, बिल्कुल चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और हमें भी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।